ज़्यादा जगह दी जाती है। तो सर जो के नाफि साहब एजुकेशनिस्ट हैं, तो ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे फैसिलिटेट करना है। तो इसलिए मतलब मेरे पास तो अल्फाज नहीं होते कि मैं शुक्रिया अदा करूँ, और रस्मन ही कहा जाता है कि जी आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन जो कुछ जिसके ये हकदार है शायद मेरे पास वो अल्फाज नहीं। कारी साहब जो हैं, कारी साहब से मेरी बहुत पुरानी अलैक्स हैं, और जस्ट ऑन फेसबुक, मतलब मैं ना इनको जानता हूँ ना मुझे ये जानते, फेसबुक पे हमने एक दूसरे को इंटरेक्ट किया, इनको पता चला कि मैं क्या करता हूँ। आज ये मुझे लाखों रुपया भेजते हैं और मैं लाखों रुपया खर्च करता हूँ। आज भी मैंने इनको कहा था जी आपने एक तो आना है और देखना है कि मैं खर्च कैसे करता हूँ और किस पे करता हूँ। और दूसरी बात ये थी कि जो क्योंकि आज मेरी क्लोजिंग है, उसमें जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको आपको एडवाइस दें, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो इनके लिए तो बिल्कुल कोई लफ्ज नहीं है, इनके लिए कोई अल्फाज, क्योंकि इतनी इनकी सेहत नहीं है जितना आज इन्होंने काम किया। रात में 7:30 बजे इनको रिसीव किया तो इनकी हालत बहुत, रेल कार से आए तो थके हुए, और सुबह मैं तो यही था कि शायद मेरे साथ ही चल ना सके, लेकिन सुबह से मेरे साथ हैं। सुबह से इनका और खलूस देख के मैंने कहा ये भी कुछ और इदारे रहते हैं, कहते हैं फिर आज इतने ही काफ़ी हैं, तो कल फिर इंशाल्लाह जो बाकी रह गए हैं वहाँ भी अपने चक्कर लगा रहे हैं, ताकि इनके जो है ना टाइम पाकिस्तान में एक महीने के लिए आते हैं उसमें से आप अगर दिन तकसीम करें, दो हमें मिल गए तो बाकी को क्या मिला। आप लोग बड़े ही खुशकिस्मत हैं, बहुत लकी हैं, ऐसा बनता दो घंटे लेक्चर देना तो लाखों रुपये का उसका बिल होता है। ये सिर्फ पता नहीं क्या इनको दुआओं का असर है, मुझे जब ये बातें हमें सुनाते हैं ना तो पैसे इनके पीछे पीछे होते हैं, और ये फिर तलाश करते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ खर्च करना। अभी मैडम आए थे डीओ, उन्होंने कहा मुझे इतने पैसे चाहिए, मैंने चेक काट के दिया था। तो मतलब कोई बंदा पैसे बांटने के लिए मैंने नहीं देखा आज तक, वो जो आए वो आपसे मांगेगा, हाँ जी तुम आए होते हो कुछ लोगों में बहुत पैसे देते हैं। मतलब क्या कि आज हमारे अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है, वो सिंपल लगाई है, ये बड़ी इसलिए ऐसे लोग बहुत कम बहुत कम बहुत कम मिलते हैं, और मेरी लाइफ में शायद ये पहला बंदा होगा कि जो चल के आया है और पूछ रहा है कि जी आपको क्या कह रही। आप टीचर्स को मैंने पूछा, किसी ने कहा जी मुझे वो फलांची चाहिए, अलग हो पैसे कल आनी चाहिए, ये ना भी पैसे जेब चोड़ने चीज़ ना आई। तो बस अल्फाज तो और कोई नहीं, और आप लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, तो मुझे ये उम्मीद है कि जब आप फील्ड में जाएंगे ना तो आप हमसे अच्छे हो। बच्चे टीचर बनना है, और जो मैंने कहा है ना डिस्प्ले वर्क करना है, रिसोर्स मटीरियल बनवाना है, हम जैसे टीचर नहीं बनना, ठीक है, हमसे आगे आपने दो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जाकल्ला।